स्टार्टिंग 6 months तो अच्छा रिस्पांस नहीं था, स्टार्टिंग था तो बिल्कुल जॉब का जो मेरा लास्ट सैलरी था उसका मेरे को 1/4 भी नहीं आया था वो मंथ। नमस्कार मित्रांनो, मी आकाश म्हात्रे चंद्रसर्वात तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो आपल्या अजून एका नवीन ब्लॉगमध्ये। आज आपण आलो आहोत बॉडी आर्ट। जर तुम्हाला कळलंच असेल बॉडी आर्ट म्हणजे टॅटू, बिलकुल। सो आज आपण आलो आहोत नियासाठी टॅटू काढण्याचं, म्हणजे नियाला टॅटू काढायचं आहे। ॲक्च्युली काही दिवसानंतर नियाच्या आई पप्पांची ॲनिव्हर्सरी आहे, म्हणजे माझ्या सासू सासऱ्यांची ॲनिव्हर्सरी आहे। सो त्यांना गिफ्ट काय द्यायचं म्हणून आमच्या डोक्यामध्ये आलं टॅटू काढूया। पण टॅटू काय काढायचं? सो टॅटू काढल्यानंतर तुम्हाला दाखवणारच आहे, तत्पूर्वी आपण नियाकडे जाऊया, तिला त्याबद्दल काय वाटतंय, कारण तिला इंजेक्शन घ्यायला सुद्धा भीती आहे। सो आज तरी टॅटू काढणार आहे। सो बघूया टॅटू कशी काढणार आहे आणि कसं सगळं सहन करणार। पहिल्यांदा आली आहे टॅटू काढायला, म्हणजे असं भीती नाही वाटत आहे की इंजेक्शनला घाबरतेस तू? तर टॅटूची सुई देखो 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 कितना सहन करने के लिए तयार आहे। मग घरी काय सांगितलंस तू? हा टॅटू झालेला आहे पूर्ण। वॉट अ फिनिशिंग, वा 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 वा। कंटेंट पाहिजे, कंटेंट पाहिजे, रक्त युक्त काढ। आपण पटकन हात बीत कापू तिचा आणि हात काढ काढ। तर हा जो टॅटू आहे ना माझा इथे लग्नाच्या आधीचा, तो बहिणी काढला। आणि असं नाही की आपल्या उरणमध्ये टॅटू आर्टिस्ट नाहीत, बट टॅटू हा एकदाच काढला जातो आणि तो असा काढला पाहिजे की तो सगळ्यांना आवडेल। सो म्हणून मी इथे आलो। विवेकभाई सध्या बिझी आहेत म्हणून त्यांच्या सेकंड आर्टिस्टने काढलं, नाही तर ह्यांच्याकडेच आपण दहा टाकणार होतो। तर विवेकभाई बघा काय कुठला टॅटू काढतात। वाव, महाकाल, जबरदस्त। खूप मोठा टॅटू आहे आणि फिर भी कितना टाइम लगेगा? ये और एक वन एंड हाफ। और कब से शुरू किया है? 6 o'clock। बाप रे, मुझे 2 घंटे डेडिकेशन लगते हैं यासाठी। भाई मुझे ये बताना, एक शुरू कब से किया था आपने? ये अभी मेरे को 10 years हो गया, 2013 में स्टार्ट किया था। तो जब आपने ये स्टार्ट किया था तो ऑब्वियसली घर वाले ये सोचते हैं कि मतलब मेरे लड़के को जॉब होना चाहिए या फिर हाँ। तो कुछ स्ट्रगल था इनिशियली कैसा था? मेरे को बोला था कि अगर इन केस ये सक्सीड नहीं हुआ या नहीं कर पाए तो गेट बैक टू अ जॉब। मैं पहले जॉब ही कर रहा था। हाँ। देन आई थॉट कि थोड़ा इसको प्रोफेशन ट्राई करके देखते हैं। हाँ।
स्टार्टिंग सिक्स मंथ्स तो अच्छा रिस्पांस नहीं था, स्टार्टिंग था तो बिल्कुल जॉब का जो मेरा लास्ट सैलरी था उसका मेरे को 1/4 भी नहीं आया था वो मंथ में, तो थोड़ा सा बट मैंने 6 मंथ्स का एक प्लान रखा था कि 6 मंथ्स देखूंगा, अगर 6 मंथ्स में इम्प्रूवमेंट नहीं रहा तो फिर मैं वापस कॉल बैक टू जॉब। स्टार्टिंग में कैसे मेरे पास उतना कैश भी नहीं था डिपॉजिट शॉप ऑफ रन करने, तो मेरा एक फ्रेंड एक कपड़े के दुकान में काम करता था, हाँ। तो उसने बोला था उसके ओनर से बात करेंगे, एक्चुअली टैटू करने के लिए इतना एक आई कुड से 6x6 का एरिया इनफ हो जाता है राइट, तो उनके शॉप में एक सेपरेट वो एक जगह था फ्री, हाँ। तो वो अग्री हो गए क्योंकि मैंने जब शॉप देखा था तभी रेंट और डिपॉजिट बहुत हाई था एंड मेरे पास उतना कैश नहीं था कि मैं स्टार्ट करूँ, तो मैंने ट्रायल पे वहाँ पे चालू किया, वहाँ से मेरे को अच्छा रेडीमेड एक शॉप मिल गया, कपड़े का ही शॉप था बट मैं उसमें टैटू का सेटअप करके कर रहा था, तो वहाँ पे मैंने 3 इयर्स किया था, फिर बाद में फिर मेरे क्राउड बहुत ज़्यादा होने लग गया, तो वो शॉप ओनर को थोड़ा इशू हो गया क्योंकि देन आई डिसाइडेड कि चलो, और मेरे पास एक्चुअली वर्कलोड भी ज़्यादा हो गया था तो मेरे को सिंगल वर्क स्टेशन से मैनेज नहीं हो रहा था, तो आई थॉट कि अभी थोड़ा एक अलग से एक शॉप लेके फिर कर रहा हूँ। उसके बाद तो जब से शुरू हो गया तब से अब तक रुके ही नहीं है। एक्चुअली कैसा है इसमें कैसा, अभी जैसा इनका ये टैटू बन रहा है तो ये ऑब्वियसली इनके ग्रुप सर्कल में एक बताएंगे 10 जन तो रहेंगे जो टैटूज में इंटरेस्टेड रहेंगे, तो वो कनेक्शन चलता ही रहता है, वो लिंक बढ़ता ही रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे दद्दू ने मुझे बताया, मैंने और बंदों को बोला, मेरी वाइफ को लेके आया, राइट। अभी जैसा मेरे पास मेरे फोन पे क्लोज टू 6000 कॉन्टैक्ट्स है, ये पूरा ऐसे ही ऑर्गेनिक ही था, मतलब एक के थ्रू तो वो बिल्ड हो जाता है, मेरे को ज्यादा आलो करने की जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा हाँ हाँ यस है ना, जर्नी स्टार्ट कर दिया था तो हैप्पी मला टॅटू काढायचा आहे, टॅटू काढायचा, शेवटी फायनली काढलास तू टॅटू, आणि कसं वाटलं, पेन झालं थोडं थोडंसं? म्हणजे निया जर सफर करू शकते तर वर्ल्ड में कोई भी सफर कर सकता है। एक दोन तीन, हॅपी ॲनिव्हर्सरी टू यू, हॅपी ॲनिव्हर्सरी टू यू, हॅपी ॲनिव्हर्सरी, हॅपी ॲनिव्हर्सरी टू यू। तुमची लावली सगळे एस्टेट केली तिने तुमच्या पिझ्झा लावला दोघांचे एकत्र गेले। कशाला लढताय?